संदेश खाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। इससे साफ है कि इस मुद्दे पर आगे भी चुनाव में टीएमसी को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। महिला सुरक्षा और महिला सम्मान का मुद्दा बीजेपी लगातार उठा रही है और टीएमसी को इस मुद्दे पर घेर भी रही है। देखिए, टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। इससे यह साफ है कि इस मुद्दे पर आगे चुनाव में टीएमसी को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। महिला सुरक्षा और महिला सम्मान का मुद्दा बीजेपी लगातार उठा रही है और टीएमसी को घेर रही है। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। संदेश खाली के मुद्दे पर पहले दिन से ही टीएमसी पर बीजेपी हमलावर है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने संदेश खाली की महिलाओं की आवाज मुखरता से उठाने वाली रेखा पात्रा को बशीरहाट सीट से अपना उम्मीदवार भी बनाया है, जिसका सीधा संदेश है कि इस मुद्दे पर महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा समर्थन चुनाव में जुटाया जाए। हालांकि टीएमसी महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी के दावों पर सवाल उठा रही है। उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, बिल्किस बानो, मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश, साक्षी मलिक का जो एलिगेशन है ब्रिज फ्यूजन के खिलाफ, उसको संभालिए। संदेश खाली में पुलिस को जो करना था, गवर्नमेंट को जो करना था, जो जो स्टेप्स लेना था सब ले लिया। संदेश खाली को लेकर सवाल कोलकाता हाईकोर्ट ने भी उठाए और ममता सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद शर्मनाक है। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही कहा कि संदेश खाली मामले में जिला प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे अहम महिलाओं के खिलाफ हुए उत्पीड़न और अत्याचार हैं, इसलिए बीजेपी बंगाल में महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाकर सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है। बंगाल की राजनीति में महिला मतदाताओं का अहम रोल रहा है। इस बार यहां 3,73,00,000 महिला वोटर हैं। उम्मीद है कि हमेशा की तरह महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करेंगी। 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कुल महिला मतदाता 3,04,00,000 थी। इनमें से 2,78,00,000 मतदाताओं ने मतदान किया, यानी करीब 82% महिलाओं ने वोट दिया। इनमें से टीएमसी को 47% महिलाओं के वोट मिले, जबकि बीजेपी को 38% महिलाओं ने वोट दिया। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 50%, जबकि बीजेपी को 37% महिलाओं ने वोट किया। यही वजह है कि मोदी जब चुनावी सभा के लिए बंगाल गए तो वहाँ उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना और दूसरा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों को मैं ड्रोन दे रहा हूं, उन्हें ड्रोन पायलट बना रहा हूं। ड्रोन से होने वाली खेती में बहनों की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली समेत कई मुद्दों पर टीएमसी को घेरा। वहीं ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर तीखे हमले किए। 2014 में क्या बोला था, 5 बंद चाय बागान खोल देंगे। दूसरी बात था और बैंक अकाउंट में 15,00,000 रुपया करके देंगे बीजेपी। और क्या बोला था, 2 करोड़ बेकार युवक युवती को नौकरी देगा। नौकरी देना तो दूर का बात, इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। चुनावी लड़ाई के बीच अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही सीधी लड़ाई है, लिहाजा आने वाले दिनों में तकरार और तीखी होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।